भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को जल्दी से लाइक एक बार कर दीजिए, और जो भी भाई बहन चैनल से ना जुड़े हो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने चैनल से जुड़ जाएं। बात करते हैं बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश की, इसको भी आपको दिखाएंगे, और भी कई खबरें हैं अलग अलग राज्यों से, सब आपको दिखाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से, एक बड़ी खबर आ रही है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक ये लेटर जारी हुआ है। ये 8 नवंबर को निकला है, यानी इसी महीने 8 तारीख को जारी हुआ निदेशालय से लेटर, जो समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी, यानी जितने भी उत्तर प्रदेश में डीपीओ हैं और प्रभारी डीपीओ हैं, उनको ये लेटर भेजा गया है। और कहा गया है कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती बहने हैं, जो सहायिका बहने हैं, इनके बीमा दावे के भुगतान के संबंध में लेटर जारी हुआ है। तो जो भी बहने हैं जिनको भी बीमा का पैसा मिलना है, बीमा का भुगतान होना है, वो जिनका भी नहीं हुआ है, वो कराया जाए। आइए जानते हैं और अच्छे तरीके से। लिखा है कि आपको पूर्व में अनेकों बार निर्देशित किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका, इनकी बीमा भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र करते हुए निदेशालय को भी अवगत कराएं, किंतु कतिपय जनपद द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका का जो बीमा भुगतान है वो ससमय नहीं किया जा रहा है, यानी समय पर वो नहीं किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं का जो बीमा है वो भुगतान नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें, तथा बीमा भुगतान की जो अद्यतन स्थिति है निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप पर गूगल शीट के माध्यम से दिनांक 8 नवंबर तक प्रत्येक दशा में फीड करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की जो विलंब ना किया जाए, प्रारूप ही नीचे दिया हुआ है, इस पर सूचना डीपीओ लोगों से मांगी गई है। और कहा गया है कि जितने भी आंगनबाड़ी और सहायिका सब बहने हैं जिनका भी बीमा का भुगतान होना है, उन सबका बीमा का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। जनपद का नाम का कालम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की संख्या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, सहायिकाओं की संख्या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की संख्या जिन्हें बीमा दावे का भुगतान हो चुका है, सहायिकाओं की संख्या जिन्हें बीमा दावे का भुगतान हो चुका है, और अवशेष जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जिनकी संख्या, जिनके बीमा दावे के भुगतान हेतु संबंधित एजेंसी को प्रपत्र भेजा यानी प्रेषित नहीं किए गए हैं उस संबंध में, और ऐसे ही सहायिका बहनों के, तो यहाँ पर ये बीमा वाला एक मैटर चल रहा है। बहुत सी वर्कर बहने, आप लोगों को पता है कोरोना काल में नहीं रही है बहने, तो उनके परिवारों को बीमा का भुगतान होना चाहिए, और इसी हिसाब से ये एक लेटर निदेशालय से निकल रहा है। लेकिन बीच के जो अधिकारी हैं डीपीओ जैसे, वो शायद जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, और नीचे जो हमारी वर्कर बहने हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके परिवारों में जो आश्रित बच्चे रह गए होंगे बेचारे अनाथ, तो उनको कुछ आर्थिक मदद मिल जाए, इस बारे में हमारे डीपीओ लोगों को सोचना चाहिए और इस काम को जल्द से जल्द करना चाहिए। बात करते हैं नगमा बहन जो आती है बिहार राज्य से। बिहार की बहनों आप सब थोड़ा ध्यान देना, प्रारंभिक विद्यालयों में लागू होगी पीएम पोषण योजना। तो जो एक ये पीएम पोषण योजना है ये बिहार में चल रही है, प्रारंभिक विद्यालयों में ये लागू होने वाली है। 9 तारीख को दैनिक जागरण में ये एक खबर प्रकाशित की गई है, बिहार के पटना से निकली है, कि केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना, इसका बदला हुआ के नाम है मिड डे मील। तो या आप लोग यहां पर देखेगा तो पोषण शक्ति निर्माण योजना जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, चाहे मिड डे मील बोल लो चाहे मध्याह्न भोजन का ये बदला हुआ नाम था मध्याह्न भोजन योजना जो चलती थी, तो वित्तीय जो प्रबंध की गई नई व्यवस्था के तहत अगले पखवारे में 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में ये लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था सिंगल नोडल एजेंसी यानी SNA इसकी है। यह पूरी व्यवस्था कैशलेस होगी। इसे प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कराने के लिए सभी क्षेत्रीय शिक्षा और उपनिदेशकों, जिला
शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष निर्देश भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस योजना के क्रियान्वयन में तय प्रावधानों का 100% अनुपालन कराएं। यदि किसी तरह की चूक हुई तो इसके लिए जिम्मेदार लोग दंडित भी होंगे। तो शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको किस तिथि से गर्मागर्म जो भोजन है वो परोसा जाए, इसके लिए विभाग के स्तर से एक प्रस्ताव आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में जल्द भेजा जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा ये चीजें शायद हो गई और 15 तारीख से बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला भी जाएगा। इसके बारे में भी कई बार जो है चीजें निकली हैं। अभी देखना है, शायद हो सकता है कोविड के कारण गवर्नमेंट इसको बढ़ा भी सकती है, तो जो भी होगा आगे आपको बताया भी जाएगा। लिखा है कि बैठक में तिथि तय होने के बाद विद्यालयों में दोपहर का भोजन बच्चों को परोसा जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। आंगनबाड़ी में वर्तमान में बच्चों को पोषाहार देने की चल रही योजना समाज कल्याण विभाग के जिम्मे है और बच्चों के स्वास्थ्य की जो निगरानी भी मिड डे मील से जुड़ने वाली जो है और उसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य पर नियमित जांच भी कराई जाएगी। इसके लिए एक अधिकारी अलग से होंगे और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, इनसे कहा गया है कि मिड डे मील की नई व्यवस्था में इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इसका असर किसी भी तरह से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था पर नहीं पड़ना चाहिए। तो आप लोगों ने जाना कि बिहार में अभी केंद्र खुले नहीं है आंगनबाड़ी के और फिर भी जो है वहां पर मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना को जमीन पर उतारा जा रहा है ताकि बच्चे आए तो उनको खाना पीना नाश्ता सब मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी है जो अपने यहाँ पढ़ाई भी करवा रही है और बच्चों को आंगनबाड़ी के एक जो है यहाँ पर रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये नगमा खातून बहन बिहार से आती है, उन्होंने अपने वहां एक ये अखबार में आर्टिकल छपा था, भेजा है कि अब राशि सीधे लाभों के खाते में जाएगी। तो हो सकता है भैया ये वो किशनगंज से ये निकला था आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के बीच पोषाहार वितरण करती सेविका। तो अभी इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते ये बिहार में चीजें हैं लाभों के खातों में डायरेक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा। आप लोग सरकारी जो आदेश आते हैं उनका इंतजार कर लेना फिलहाल के लिए और उसमें जो भी होगा वो आप लोगों को बताएंगे। आगे बात करते हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हो ये एक खबर आई है उत्तर प्रदेश में, देखिए सरकार कुपोषण को मिटाने के लिए क्या कर रही है। अति कुपोषित बच्चों के परिवार को दी जाएगी गायें। मैनपुरी में फिर से एक ये चीज निकल करके आई है कि डीएम ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की है। कलेक्ट्रेट सभा में जो उन्होंने बैठक लिया है डीएम अवनीश जो है यहाँ पर अविनाश कृष्ण जो है सिंह। तो आप लोगों को बता दें एक उत्तर प्रदेश सरकार है जो कुपोषण को मिटाने के लिए गरीब परिवार जो होते हैं उनको गाय वगैरह दे देती हैं, यानी गाय लो और इनका जो है इनका गाय की सेवा करो और उसका जो दूध होगा वो खाओ और बच्चों को खिलाओ, ये सोचते हैं। अब बताओ एक गरीब परिवार वो खुद के लिए खाने के लिए नहीं है, अपने बच्चे का अगर उसका कुपोषण मिटाना ही है, अगर गवर्नमेंट महीने में 1500 रुपए के हिसाब से भी कुपोषित बच्चे को दे दे तो 1 लीटर दूध वगैरह बच्चा आराम से बैठे बैठे खा सकता है, ऐसा अनुमान है, आप लोगों को भी पता है। तो फिर उसका कुपोषण ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो है वो मिटने लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गाय सौंपती है। अब गाय को खिलाना भी तो पड़ेगा, अब उसके जब कुपोषित बच्चे के परिवार में खाने के लिए खुद नहीं है तो वो गायों को बेचारियों को क्या खिलाएंगे। तो सोचिए और समझिए उत्तर प्रदेश सरकार ये करती है। और अभी केंद्र खुले हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के, बच्चों को दोपहर का भोजन तक नसीब नहीं करा रहे हैं और कुपोषण को मिटाने के लिए ये गाय वगैरह बस वितरित करने वाले काम चलते रहते हैं। तो आप लोग सोचिएगा, जरूरी है कि जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनमें कुपोषण का जो है वो कुपोषण को मिटाना है तो कम से कम बच्चों को खाना तो मिलना ही चाहिए केंद्रों पर, वो भूखे बैठे रहेंगे तो कुपोषण को बढ़ावा ही मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की। जैसा कि आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में आइए आंगनबाड़ी थीम के आधार पर, आप सबको मैंने सुबह कल बताया था कि वहां पर 15 नवंबर से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में कार्यालय जो है यहाँ पर मुरैना मध्य प्रदेश से भी आप देखेगा एक लेटर 11 तारीख को कल निकाल दिया गया है आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन प्रारंभ करने के संबंध में। और वही थीम है, देखो 15 नवंबर को जनप्रतिनिधि जो होंगे उनकी उपस्थिति में आइए आंगनबाड़ी थीम पर समारोह करवाया जाएगा और फिर आंगनबाड़ी केंद्रों को जो यहाँ पर खोला जाएगा। इसमें दो यहाँ पर उन्होंने बिंदु दिए हैं, परियोजना
योजना के अंतर्गत पोषण आहार प्रदाय कर रहे समूहों को उपरोक्त दिनांक यानी 15 नवंबर से हितग्राहियों को पूर्व की भांति गर्म पका नाश्ता और भोजन तैयार कर प्रदाय करने के निर्देश देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में भी सरकार ने दे दिए और बिहार राज्य में भी सारी चीजें हैं, तैयारियां जोरों पर है। केंद्र खुलेंगे तो शायद मिलेगा बच्चों को गर्म पका भोजन। बाकी यूपी में महीनों हो गए हैं केंद्र खुले हुए और गवर्नमेंट अभी गर्म पका भोजन नहीं दे पा रही है। उपरोक्त दिनांक 15-11 को सभी पर्यवेक्षक एवं आप स्वयं अपने मुख्यालय को आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन करके उस पर समारोह पूर्वक आंगनबाड़ी संचालन प्रारंभ कराएं, जिसके फोटोग्राफ्स जो हैं उनको आगामी दिवस को परियोजना के अंतर्गत आयोजित जो गतिविधि है उनमें प्रतिवेदन के साथ आवश्यक रूप से प्रेषित करें, इसके बारे में लिख करके आया है। तो देखिएगा हर जगह आपने जाना है, केंद्र खोलने से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए वो ज्यादातर राज्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा हमारा विभाग है बाल विकास का जहां पर केंद्र तो खुल गया लेकिन मिड डे मील दोपहर का भोजन बच्चों को नसीब नहीं है, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं है। अब बच्चा पूरा टाइम जो है बैठ करके ऐसे ही पढ़ता अगर रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं भूखा बैठा रहेगा तो कुपोषण को भी बढ़ावा मिलेगा, बच्चा कमजोर होगा, कमजोर होना यानी फिर बीमारियों का अटैक करना, जब बीमारियां बढ़ेंगी शरीर में तो जाहिर सी बात है और कमजोरी बढ़ेगी, तो यहां पर बीमारियों से फिर बच्चे कुपोषित श्रेणी में चले जाएंगे। तो आप लोगों के क्या राय है आप लोग बताइए।